लेते हैं जहां पर 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी 9 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार सपा के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव की पोस्ट से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई। न्यूज 18 ने बताया कि कांग्रेस चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया। एसपी प्रमुख का यह ऐलान इसलिए अहम है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में लंबे समय से खींचतान देखी जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस ऐलान के आखिर क्या मायने हैं? अखिलेश ने लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। आपको बता दें कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, अभी भी 3 सीटें बाकी हैं। तो क्या 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? ये अब बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के चुनाव न लड़ने पर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा है। प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि कांग्रेस को अपना दफ्तर और झंडा भी समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव के ऐलान के बाद कयास ये लगाया जा रहा था कि जिन सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे उन सीटों पर उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं और वही इस पर चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। तो उन सीटों पर उम्मीदवार तो कांग्रेस के होंगे लेकिन वो लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, और अब इसे लेकर प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर साइकिल चुनाव निशान पर लड़ने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एसपी ने कांग्रेस को धोबी पछाड़ डाल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त नारा एसपी साकार कर रही है। एसपी ने मध्य प्रदेश हरियाणा विधानसभा चुनाव का बदला लिया और इंडी गठबंधन खंड खंड हो गया। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है।